सर अभी तक खिचड़ी भी नहीं मिला गलत बात गलत बात ऐसे मत कीजिए ये ठीक नहीं ई नहीं पिलकर बोलिए बात बोली पिलकर जी सर वैसा खिचड़ी कुत्ता खाता है हमारे हिसाब से कुत्ता नहीं खाएगा वो खिचड़ी दरभंगा जिला में बाढ़ पीड़ितों को कुत्ता के खाने जैसा खिचड़ी दिया जा रहा है अभी हम लोगों को उसी कुत्ते की स्थिति में हम लोगों को लाया जा रहा है कि जो खिचड़ी सरकार के तरफ से दिया जा रहा है वो खिचड़ी इतना कम मात्रा में दिया जा रहा है और इतना खराब क्वालिटी है ऐसा लग रहा है कि कलर मिला करके और किसी तरह से जैसा मवेशी भी ना खाए वैसा खिचड़ी यहाँ पे आम जनों को बाढ़ पीड़ितों को परोसा जा रहा है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि यहाँ पे खाना उचित नहीं मिल पाता है, जो खिचड़ी मिलता है वो कुत्ते के खाने के जैसा टेस्ट होता है, गुणवत्ता का थोड़ा शिकायत कमी रहती है, ये आपको लोगों का आरोप है। दो चीज बताना चाहूंगा, अभी हम लोग फूड पैकेट्स भी उनको देने जा रहे हैं जो उनको खुद ही बना करके खाने के लिए उपलब्ध हो जाएगा, साथ में जो खाने का है कम्युनिटी किचन का है ही कि आइटम्स हम लोग दे दें और कम्युनिटी के लोग जो हैं खुद से ही अपना खाना पका करके खाना बनाए, तो हम लोग गुणवत्ता को टेस्ट करने के लिए भी पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। किनको किनको खाना नहीं मिला है दरभंगा जिले के गोरा बोरा में बाढ़ पीड़ितों को, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, खाना नहीं मिला आप लोग को, खाना नहीं मिला है, खाना नहीं मिला है, खाना खाना नहीं मिला है, भूखे हैं आप लोग, भूखे हैं ये लोग दरभंगा जिला में। और हाँ, और ये सारे लोग डीएम साहब से मांग करने के लिए बांस बल्ला लगा करके जाम कर दिए। बोलने तो दीजिए, इतना बाढ़ पर इतने लोग इतना दिक्कत में है, जानवर तो नहीं है सर, आदमी है हम लोग। नहीं क्या नहीं मिला बताइए ना, पॉलिथीन सीट्स मिला, खाना मिला नहीं मिला। सर बोलने दीजिए हम लोगों को, एक एक करके बोलिए। बनाने में लोग इन्हीं को पेमेंट करेंगे, वो है श्रमिक। और दोस्तों ये दरभंगा जिला है, डीएम साहब निरीक्षण करने के लिए, खाना पीना मिलता है नहीं। क्या दिक्कत होता है? सब चीज के दिक्कत है सर। अच्छा, 3 बजे रात में पानी गया। अच्छा, हमरा सबके ओन पान बकरी चकरी कुछ नहीं। सरकार के तरफ से क्या व्यवस्था मिला है? पल्ली मिला है, 3 दिन के बाद। डीएम साहब को बोल लिए ना, अभी एलखुन तक घर में डीएम साहब के, डीएम साहब के घेर लबे की कहबे डीएम साहब के? लाइट चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए। अच्छा, और इतना खिचड़ी मिलता है? अच्छा, खिचड़ी कैसा रहता है खाने में? नहीं अच्छा। हाँ हाँ, बोलिए। जो नहीं नमक ते दाल नहीं, दाल ते चावल नहीं। अच्छा, छर पैन की करो। बहुत घटिया क्वालिटी का खिचड़ी आता है, डीएम साहब को बोले नहीं अभी आप लोग? जी बहुत गंदा खिचड़ी। हम सर बोले कि हमरा दूसरा खाना बदल दो साला, हमको चूरा दो चाहे चीनी दो, वही फाक के रखे। कैसा था खिचड़ी? ऐसा खिचड़ी नहीं खाए। बच्चा लोग खाया था? सब भूखले रह गया। नहीं लगा। आए ना, कैसा था खिचड़ी? बिल्कुल खराब था, नहीं था अच्छा सर, खिचड़ी नहीं था अच्छा। और उस ऊपर से इतना ही देता है जो किसी को, कितना देता है आप बताइए? एक आदमी को कितना इतना खिचड़ी देता है, वो भी गंदा सरा हुआ अच्छा खिचड़ी नहीं रहता है? तो बताइए, पेट भरने के बाद मुंह में ले तो उतना खाना जाए तो कुछ दम आए। दरभंगा जिले में रिलीफ बंटवारे के नाम पे दोस्तों जैसा आरोप लगा रहे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भयंकर घपला घोटाला हो रहा। पर्सनल आदमी जो है, सामाजिक कार्यकर्ता, सरकार के तरफ से कोई खाना नहीं? दरभंगा जिला का कौन प्रखंड हुआ ही? गोरा बोरा। लेकिन सरकार के तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। क्या भाई, कोई सुविधा नहीं है गोरा बोराम की तरफ? खाना उना कुछ नहीं, भूखल रह रहा है। खाना 3 किलोमीटर दूरी में बनता है कुठाओ में। अगर खिचड़ी में पिल्लू है क्या है नहीं है देखते देखने का, पिल्लू रहता है? कैसा खिचड़ी रहता है बाबू?
पानी नहीं अच्छा नहीं लगता है नहीं। खाती हो तुम लोग वो खिचड़ी? हाँ करे तो क्या करे ये लोग? घर देख लीजिए, घर देख लीजिए, वहाँ घर के और घर देखिए, वहाँ पे पूरा पानी पानी लगा हुआ, पूरा गांव डूबा हुआ। लेकिन दरभंगा जिले में इन लोगों को जो दिया जा रहा है इतना गंदा खाना, पता नहीं सरकार की तरफ से है भी कि नहीं, ये लोग मुंह में नहीं ले पाते। देखिए दरभंगा जिले के बाढ़ग्रस्त, कोसी से बाढ़ग्रस्त इलाके के गौरा बोराम प्रखंड के ये लोग बच्चे हैं और ये सब बाढ़ पीड़ित हैं। और देखिए बांस बल्ला लगा करके यहाँ पे सड़क को जाम कर दिया गया, और जाम इसीलिए कर दिया गया है काहे कि इधर दरभंगा के डीएम साहब अभी गए हैं निरीक्षण करने के लिए, दरभंगा के डीएम साहब को ये स्थिति दिखाने के लिए कि देखिए भूख से हमारा बच्चा तड़प रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है बाढ़ पीड़ितों को, यही दिखाने के लिए ये लोग बांस बल्ला लगा करके जाम कर दिया है कि डीएम साहब को दिखा सके। आप ही लोग का बच्चा है? खाना खाना का क्या दिक्कत हो रहा है? कुछ नहीं, भूखा रहता है बच्चा लोग? सुबह से बच्चा भूखा है? अच्छा अच्छा, यही 17 नंबर पर रोड पर जाते हैं, वही 17 नंबर पर बात करके चले जाते हैं। ओ, आप लोग तक नहीं पहुंचता है? नहीं, हम लोग ये बच्चा लोग भूखा है क्या? भूखा है नहीं। और ये बच्चा लोग लाचार है, मजबूर, और देखिए कितना गरीबी में है दरभंगा जिले की स्थिति देखिए, और इस बच्चा का शरीर देखिए कि किस तरह से ये घर। ए बच्चा खाना खाया है जी? खाना खाए हो? ए बुआ खाना खाए हो? खाना खाए हो? खाना खाए हो? खाना खा लो। ए बुआ खाना खाए हो? चटवन पर सब बच्चा भूखा मरा पड़ा है। क्या चाहते हैं आप लोग डीएम साहब से? हाँ? क्या कहिएगा? हम लोग का खाना पीना मिलना चाहिए, हमको सुरक्षा मिलना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, हम लोग अंधेरा में रात में रहते हैं बाल बच्चा। अच्छा, किसका खाएगा, किसका खा लेगा, क्या करेगा? सही बात है। जनरेटर का व्यवस्था नहीं हुआ है जबकि 2 से 3 रोज अभी गुजर रहा है। ये सारा महादलित परिवार भूखा है, प्यासा है, कपड़ा नहीं है, भोजन नहीं है, घर नहीं है, बिजली नहीं, ना मेडिकल की सुविधा, ना बिजली है, ना मेडिकल की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है, कोई प्रकार की कोई चीज का सुविधा है। लेकिन इन सारे लोगों को वंचित कर दिया गया है राहत से, ऐसा इन लोगों का आरोप। आज जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण आपके द्वारा किया गया, इसमें क्या सब देखा गया सर? आज जो दो दिन पहले हम लोगों का तटबंध रात में टूट गया था, तो हम लोगों के द्वारा पहले हवाई सर्वेक्षण हुआ, आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से बाढ़ की स्थिति का जायज़ा लिया गया है। जो लोग ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए हैं उन सब लोगों को हमने घूम के देखा है। हमारे साथ वरीय पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी और जिले के वरीय पदाधिकारी हैं। यहाँ पर वर्तमान में हम लोगों ने जो लोग बाहर आ गए हैं तो उन्हें पॉलीथीन सीट्स वगैरह वितरित किया गया है, साथ में जहाँ जहाँ लोग हैं जनरेटर के माध्यम से उनको बिजली देने की भी बात की गई है। कल हम लोग कुछ पोल पे भी कुछ लाइट्स लगवाने का काम करेंगे, जिससे कि जहाँ भी हमारा लोग आए हुए हैं शरण स्थल पे वहाँ पे प्रकाश का कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। वाटर टैंकर के माध्यम से कई सारे वाटर टैंकर्स हमारे इस मार्ग पे जा रहे हैं, और जहाँ भी लोगों को ज़रूरत हो रही है वो लोग पानी ले रहे हैं। कम्युनिटी किचन स्टार्ट कर दिया गया है, हम लोग फूड पैकेट्स बना रहे हैं। आज चॉपर के माध्यम से, हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स भी प्रभावित इलाकों में गिराए गए हैं। तो हम लोग हर दृष्टिकोण से जो SOP है बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और प्रयास यही है कि हम लोगों का जो स्थिति है जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाए और लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बाढ़ का जो पानी का स्थिति है, आज लोगों से सूचना प्राप्त हुई है कि बाढ़ का पानी का स्तर धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है, लगभग 1 फीट के लगभग पानी अभी कम हुआ है सुबह की तुलना में। हम उम्मीद करते हैं कि इस पे काफ़ी तेज़ गति से काम होगा। जो हमारे जल संसाधन के विभाग के पदाधिकारी हैं उनसे भी बात हुई है, तो जो कोसी का तटबंध जहां ब्रिज हुआ है, जो टूटा है, उसको भी भर करके भरने का काम युद्ध स्तर पे किया जाएगा। यहाँ के लोगों का आरोप है कि यहाँ पे खाना उचित नहीं मिल पाता है, जो खिचड़ी मिलता है वो कुत्ते के खाने के जैसा टेस्ट होता है, गुणवत्ता का थोड़ा शिकायत है सर, ये आपको लोगों का आरोप है। मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा, अभी हम लोग फूड पैकेट्स भी उनको देने जा रहे हैं जो उनको खुद ही बना करके खाने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। साथ में जो खाने का है कम्युनिटी किचन का है ही कि आइटम्स हम लोग दे दें और कम्युनिटी के लोग जो हैं खुद से ही अपना खाना पका करके खाना बनाएं, तो हम लोग गुणवत्ता को टेस्ट करने के लिए भी पदाधिकारी नियुक्त करेंगे, और कहीं भी किसी भी प्रकार से जो क्वालिटी है
उस पर कोई भी समझौता नहीं किया गया। यहाँ पे अभी तक कम्युनिटी किचन का व्यवस्था नहीं की गई है, दूसरे जगह से 3 या 4 किलोमीटर के दूर से लाया जाता है। यहाँ के कुछ सामाजिक लोगों के द्वारा, आज शाम में हम यहाँ आया तो समय हमको दिखा रहा है, यहाँ के सामाजिक लोगों के द्वारा अपने स्तर से चावल दाल यहाँ वितरण किया गया है गाड़ी से। मैं दो चीज बताऊंगा कि जो हम लोगों का जहाँ भी ऊंचा शरण स्थल है कम्युनिटी किचन के लिए, उसको हम लोग चिन्हित किए हुए हैं, जहाँ कहीं भी कमी होगी, क्योंकि इसमें लोग लंबे स्ट्रेच में 25 से 30 किलोमीटर के स्ट्रेच में लोगों ने जब बांध का पानी उनके बांध पे आया है तो वो उन्होंने शरण लिया है, तो जहाँ जहाँ भी जगह है खाना पकाने के लिए वहाँ से बना करके उनको देने का काम हो रहा है। उसको और कैसे चाक चौबंद करें, हमारे पास साथ जो है इस अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी भी है, उसके लिए भी आज हमने मुआयना किया है, जायजा लिया है, तो किसी प्रकार की आगे दिक्कत। बहुत बहुत धन्यवाद।